पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को लेकर एक बुरी खबर आ रही है। शनिवार शाम अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उनके हार्ट में डले स्टंट में कुछ दिक्कतें आ गई हैं। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम उनके देखरेख में जुटी हुई है और इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि बीते साल भी उन्हें पीजीआई में एडमिट करवाया गया था, जहां पर उनका इलाज पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी कर रहे थे। बीते साल सितंबर महीने में उन्हें दिक्कत आई थी, उनके हार्ट में ब्लॉकेज मिली थी, जिसके बाद से उन्हें पहले राजेंद्रा अस्पताल में पटियाला और फिर वहां से पीजीआई रेफर किया गया था। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बलकौर सिंह जालंधर में राहुल गांधी के साथ चले थे। इस दौरान राहुल गांधी ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया था। इसी दौरान बलकौर सिंह ने मीडिया के सामने उन्हें स्टंट डाले जाने और भीड़ में घबराहट होने की बातें भी कही थी। सिद्धू मूसेवाला की बीते साल 29 मई को मानसा के जवाहर के गाँव में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई जग्गू भगवानपुरिया और विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया था। इसके बाद से मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह जी जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाए। टीम बीटीएफ न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीटीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।